के मन में जो छवि है हमें आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री प्लेन से उतरते हुए, ये सीधी तस्वीर है ढाका एयरपोर्ट से। आज का दिन बेहद अहम, स्वर्णिम गाथा, सदाबहार मैत्री भारत और बांग्लादेश की। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं ढाका के शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 दिवसीय यात्रा, बांग्लादेश की यात्रा पे पहुंच चुके हैं और उनका स्वागत प्रधानमंत्री शेख हसीना खुद कर रही हैं। और ये एक अनुपम उदाहरण, बेहतरीन उदाहरण दोनों देशों के बीच संबंधों का। हम जानते हैं दोनों देश मिलकर बांग्लादेश की आज़ादी के स्वर्णिम वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, और आज जिस तरह से 50 साल पहले बांग्लादेश ने अपनी आज़ादी की घोषणा की थी उसका आज एक जश्न है। और पिछले 50 सालों का दोनों देशों का जो रिश्ता रहा है, जो राजनयिक संबंधों की स्थापना के भी 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो ये बेहद खास मौका और बिल्कुल बहुत अहम है। और बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में भारत का अहम स्थान, इसलिए बांग्लादेश के जश्न आज़ादी की 50वीं सालगिरह पर स्वर्ण जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री शिरकत करते हुए। Guard is ready for inspection, Your Excellency. Wait.
थैंक यू योर एक्सीलेंसी। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं ढाका एयरपोर्ट से, जहां पर प्रधानमंत्री को भी गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और किस तरह से ये सशक्त और मजबूत तस्वीरें ये संदेश देती हुई, इस तरह का ये मुजीब वर्ष है और दोनों के देशों की जो स्वर्णिम रिश्ते हैं उनको 50 साल पूरे हो रहे हैं। आज प्रधानमंत्री कई अहम कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, किस तरह से ये कार्यक्रम रहने वाले हैं उसकी जानकारी हमने आपको दी और कितनी अहम ये कार्यक्रम है, कितना अहम ये दौरा है, आप साफ तौर पर इस लिहाज से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। खुद जो प्रधानमंत्री शेख हसीना है वो अगुवाई करने के लिए पहुंची हैं प्रधानमंत्री की। और बांग्लादेश की इस यात्रा के दौरान हमने एक और चीज़ देखी, क्या नाम है ओपी, कि जो इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप टाइज इसके पोस्टर्स लगे हुए हैं जगह जगह, यानी कि मुजीबुर रहमान के साथ साथ कैसे ये दोस्ती और प्रगाढ़ होती हुई और कैसे आगे बढ़ेगी, नए आयाम छुएगी, नए आर्थिक लिहाज से, राजनीतिक लिहाज से नए संबंधों के मार्ग को प्रशस्त करेगी, उसकी एक बानगी ये तस्वीर पेश करती हुई। ये तस्वीरें कई चीजें सामने रख रही हैं, न सिर्फ भारत बांग्लादेश के जो घनिष्ठ रिश्ते हैं उसका प्रतीक हैं ये तस्वीरें। जिस तरह से प्रधानमंत्री शेख हसीना खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगवानी के लिए पहुंची, वो भी दिखाता है कि दोनों देशों के संबंध कितने मायने रखते हैं एक दूसरे के लिए। और पिछले 5-6 सालों में अगर हम देखें आंचल, तो हमने कई ऐसे कदम देखे हैं, न सिर्फ समझौतों के लिहाज से, आर्थिक संबंधों के लिहाज से, बल्कि सांस्कृतिक संबंधों के लिहाज से, लोगों के नज़दीक आने के लिहाज से। जिस तरह से भारत ने अपनी वीज़ा नीति को बांग्लादेश के लिए बहुत ईज आउट किया, ये इस बात की कोशिश रही कि कैसे आसानी से दोनों देशों के लोग एक दूसरे के देश में आ जा सकें। और सबसे बड़ा उदाहरण देखना चाहिए कोविड के इस महामारी के दौरान जिस तरह से भारत आगे आया, जिस तरह से भारत ने अपनी जो क्षमताओं का को साझा किया बांग्लादेश के साथ, वो एक अनुपम उदाहरण है, एक ऐसा उदाहरण है जो शायद दुनिया में बहुत शायद ही देखने को मिले, क्योंकि इस तरह की महामारी के दौरान जिस तरह से तमाम देश अपनी क्षमताओं को लेकर सशंकित थे, ऐसे में भारत ने अपनी क्षमता से, अपनी तमाम जो वैश्विक बंधुत्व है उसकी भावना के तहत काम करते हुए, और सबसे बड़ी बात जो नेबरहुड फर्स्ट की जो नीति रही उसको भी भारत ने सबसे ऊपर प्राथमिकता देते हुए तमाम चीजों को आगे बढ़ते हुए, और यही भारत ने अपना उदाहरण पेश किया जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि कैसे वैक्सीन पहुंचानी है, पड़ोसी का दायित्व निभाते हुए और एक उस जिम्मेदार मुल्क का जिसकी तारीफ लगातार हम देख रहे हैं कि हर लेवल पर भारत की तारीफ की गई है, और खास तौर पर ये जो मुजीब वर्ष है।